हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आरटीआई लगाना सीखेंगे। आरटीआई किसी मिनिस्ट्री में या किसी डिपार्टमेंट में कैसे लगाते हैं। हमने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया आरटीआई, और ये रहा आरटीआई का ऑफिशियल वेबसाइट rtionline.gov.in। इस पे हम जाएंगे और इसके बाद आपके सामने आरटीआई का वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप आरटीआई ऑनलाइन, और इसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये जो सबमिट रिक्वेस्ट है इस पे आपको जाना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, और इसमें आपको बताया गया है कि कैसे आपको आरटीआई लगाना है और किस तरह से पेमेंट है, क्या है, वो सारा कुछ डिटेल में आपसे डिस्कस किया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप पढ़ने के बाद यहाँ पे चेकबॉक्स में क्लिक करिएगा और सबमिट पे क्लिक करिएगा, ठीक है। इसके करते ही आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको अपना नाम भरना है, आप डिपार्टमेंट लिखेंगे, आप मिनिस्ट्री लिखेंगे, या फिर जो भी पब्लिक अथॉरिटी जिसमें आप आरटीआई लगाना चाहते हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, अपना नाम, आप कहाँ से हैं, कौन है। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना डालना पड़ता है कि किस संदर्भ में आप जानकारी जानना चाहते हैं, और इसके बाद आगे आपको बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे ऊपर से आप अपना भाषा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप हिंदी कर सकते हैं अगर आपको ये सारा कुछ हिंदी में चाहिए तो, ठीक है। तो हम अभी यहाँ इसे इंग्लिश में रहने देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट मिनिस्ट्री, एपेक्स बॉडी या फिर डिपार्टमेंट जो है, आपको जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में लगाना है आरटीआई वो सिलेक्ट करना पड़ता है, और इसके बाद फिर पब्लिक अथॉरिटी जहाँ पे आपको लगाना है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, तो ये अगर हम सर्च करते हैं तो ये देखिए, जैसे अभी हम एक काम करते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर का जो फर्स्ट ईयर एग्जाम होने वाला है वो, उसका डेट रखा गया था 28, 29, 30 मार्च, लेकिन उस टाइम होली हो जा रहा है, तो फर्स्ट ईयर का जो उसका एग्जाम है उस टाइम कंडक्ट करवाया नहीं जा पाएगा, तो वो डेट आगे ही बढ़ेगा। तो हम पूछते हैं एसएससी से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर से, कि वो एग्जाम जो है Tier 1 SSC स्टेनोग्राफर का कब लिया जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सर्च करके सर्च बार में सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखिए ये मिनिस्ट्री इसका सिलेक्ट हो चुका है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और अपने आप ये ले लेता है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर अपने आप आ गया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स भरना स्टार्ट करेंगे कि एप्लीकेंट है कौन, अपने बारे में बताइए। यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे, और यहाँ पे जो आप नाम डालिएगा ये आपका ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डालना पड़ेगा, आपका एरिया पिन कोड जो है वो आप यहाँ पे डालिएगा। और यहाँ पे मैं फिर स्टेट सेलेक्ट करूँगा कि किस स्टेट से मैं हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटस में आपको सिलेक्ट करना है कि आप शहरी क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो मैं यहाँ पे अर्बन शहरी क्षेत्र सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको एजुकेशनल स्टेटस डालना पड़ेगा, या क्या आप लिटरेट हैं, साक्षर हैं, या फिर असाक्षर हैं, इलिटरेट हैं, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिटरेट पे सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे आपसे डिटेल पूछा जाएगा आपका, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिटरेट पे सिलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ पे आपको ब्यौरा देना पड़ता है कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे सिलेक्ट किया ग्रेजुएट, और इसके बाद फिर दूसरा जो कॉलम है यहाँ पे है, रो है, इसके बाद यहाँ पे आपके सामने आता है आपका फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। आपको कांटेक्ट जब करेगा आरटीआई तो आपको इसी नंबर पे मैसेज आएगा, तो यहाँ पे आप जो नंबर यूज़ कर रहे हो अभी हाल फिलहाल में वही नंबर डालें। आपको किसी तरह का जानकारी देने के लिए आरटीआई यहाँ पे आपको कॉल कर सकता है या फिर एसएमएस भेज सकता है, तो इसलिए जो नंबर आप यूज़ कर रहे हो वो ही डालें। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ता है, ईमेल आईडी में भी सेम केस है, आपको इसी के थ्रू आपका जो आरटीआई उसका रिप्लाई किया जाएगा, तो आप वही ईमेल डालें जो आप यूज़ कर रहे हो। इसके बाद आपको कन्फर्म करना पड़ता है, सेम ईमेल आईडी दोबारा डालना पड़ेगा। इसके बाद आपका रिक्वेस्ट डिटेल्स आता है, यहाँ पे आपको अपना डिटेल डालना पड़ेगा कि आपको आरटीआई क्या लगाना है, वो सारा कुछ जानकारी देना पड़ता है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको, अगर आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यस, और अगर आप नहीं हैं तो फिर नो। इसके बाद
यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू पे द आरटीआई फी ऑफ ₹10। आपको अगर आरटीआई लगाना है तो आपको ₹10 आरटीआई को देना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है Tier 1 वो कब होगा, SSC 2020। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं हम अपना रिक्वेस्ट। इस बॉक्स में लिखने के बाद आपको यहाँ पे ये नंबर डालना पड़ता है, जैसे का तैसा। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है 72, तो मैंने यहाँ पे डाला। और इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या रुपए कार्ड के थ्रू। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड सिलेक्ट किया। इसके बाद आपको पे पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे आपके सामने पेमेंट का जो पेज है वो खुल जाता है। यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट, और यहाँ पे होल्डर्स नाम, जिनके नाम से कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डालना है, CVV डालना है। और उसके बाद यहाँ पे ये आपको कैप्चा भरना है और पे पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ये सारा डिटेल्स भरते हैं, आपका जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा, और जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में आपने एप्लीकेशन लगाया है वो अपने हिसाब से आपको रिप्लाई करेगा। तो जैसे ही आपने आरटीआई लगाया, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट अपने समय के हिसाब से आपको रिप्लाई करेगा। अगर आपने मिनिस्ट्री में लगाया है तो आपको 1 वीक या 2 वीक में रिप्लाई आ जाएगा, और अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में लगाया तो आपको उससे ज़्यादा लंबा समय लग सकता है। खैर, उस बीच में आप अपने आरटीआई का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये व्यू स्टेटस पे आपको क्लिक करना है, और इसके बाद फिर आपके सामने जो पेज खुलता है, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके मेल पे भेजा गया है और आपके फ़ोन नंबर पे भी आता है ये SMS। तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी था, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था, वो ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। और ये फिर कैप्चा डाल के आप सबमिट करते हैं तो वहाँ पे आपको आपका आरटीआई का स्टेटस दिख जाएगा। ओके, वो कौन से ऑफिसर के पास है आप अभी फिलहाल, या कौन से पब्लिक अथॉरिटी के पास है अभी। तो ये था वीडियो कि आरटीआई कैसे लगाते हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किए करें, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एज अ क्रिएटर, ये हमें ग्रो करने में मदद करता है। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू एग्जाम क्लस्टर फॉर वीडियोज़ लाइक दिस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।